अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं टिक्का बोटी। उसके लिए मैंने गोश्त लिया है 1 किलो, उसकी छोटी बोटियाँ कर ली हैं 1 टेबल स्पून। मैंने इसमें भर के जो है कच्ची पाउडर मिक्स किया है। 1 पाव मैंने दही ली है, ये इसके अंदर मैं मिक्स कर दूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून, ये भी मैंने भर के लिया है, ये मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, टिक्का मसाला, कुटी हुई काली मिर्च है, पिसा हुआ गरम मसाला है, साबुत धनिया है, कुटा हुआ किसी भी लाल मिर्च है, ये सारी चीज़ें मैंने 1 टीस्पून लिया है। हल्दी लिया मैंने 1/2 टीस्पून, चाट मसाला भी मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, थोड़ा सा जर्दे का रंग लिया है, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे और इसको मैं 3 घंटे के लिए इसको मैं रख दूंगी, ताकि हमारा गोश्त जो है हमने कच्ची पाउडर जो मिलाया था तो उससे हमारा गोश्त जो है अच्छी तरह गल जाए। ये मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको 3 घंटे के लिए मैं रख दूंगी ढककर। ये देखिए हमारे 3 घंटे हो गए हैं, ये मसाला अच्छी तरह बिल्कुल इसमें लग गया है। अब हम इसको ये स्टिक लेंगे और इसके अंदर हम लगाएंगे इस तरह, ये ऐसे लगा देंगे। ये देखिए ये देखिए इसी तरह मैं सारे लगा दूंगी स्टिक में। ये देखिए ये हमारे हमने सब में लगा लिया है। ये देखिए इसी तरह मैंने ये सारे स्टिक में लगा लिए। अब हम इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। ये हमने पैन रख दिया था इसके अंदर, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा तेल लगाएंगे। ये इसे मैंने लगा दिया है। ये हमने लगा दिया अच्छी तरह। अब हम एक एक स्टिक उठाते रहेंगे और इसमें यूँ रखते रहेंगे। ये गोश्त हमारा वैसे ही इतनी अच्छी तरह गल चुका है, ये जो हमने कच्ची पाउडर डाला था इसके अंदर। ये इस तरह हमने रख दिए हैं। अब मैं इसको कवर कर दूंगी, बस हम 5 से 6 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। आँच हम हल्की रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे। ये देखिए हमारे 5 मिनट हो गए और ये अब हम इसको पलटेंगे। ये देखें पीछे से कलर, इसको ज़्यादा देर ढकना नहीं है वरना ये पानी छोड़ना शुरू कर देगा जो हमने दही डाली थी, इसलिए इसको 5 मिनट दीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसे ही हम सारे ये पलट लेंगे। देखिए एक तरफ से हमारा कलर आना शुरू हो गया है, अब हम दूसरी तरफ कलर ऐसे आ जाएगा तो फिर हम इसको निकालेंगे। अब इसमें हम ढकेंगे नहीं, ये ऐसे हम आँच पे इसको पकने देंगे। अब हम ऊपर से जो है इसमें हल्का हल्का सा तेल ऐसे ब्रश से लगाते रहेंगे। इसको हल्का हल्का लगाइएगा, देखिए कलर आना शुरू हो गया है इसमें भी। तो ये हमारी हो गई, अब हम इसको निकाल लेंगे। ये मैं निकाल लूंगी सारी। अब हम दोबारा इसमें ऑयल लगाएंगे। इसी तरह मैं दोबारा ये स्टिक ऐसे रख दूंगी जो हमारे टिक्के थे।
ये हमने रख दिया। अब इसको हम दोबारा, जैसे पहले हमने कवर किया था, दोबारा हम इसको कवर करके रख देंगे 5 मिनट बस। ये देखिए हमारा एक तरफ से हो गया। अब ये मैं देखती हूँ दूसरी, ये देखें कलर आ गया है। इसी तरह इसको पलट देंगे हम। अब हम इसमें दोबारा से ऊपर से ऑयल लगा देंगे इसके अंदर, ये देखें हल्का हल्का सा। तो ये दूसरी तरफ कलर आ जाएगा तो फिर बस मैं इसको भी निकाल लूँगी। ये देखें हमारा हो गया है ये। अब जो हमने पहले हमने बनाई थी बोटियाँ, वो हम इसके अंदर रख देंगे ऐसी। और बीच में रखूँगी कोयला। और ऊपर से थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डालेंगे और इसको हम अब कवर कर देंगे। ये हमने कोयले का दम भी दे दिया है, बस इसको मैं निकाल लूँगी और मैं डिश आउट करूँगी। ये हम इसको निकाल लेंगे, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमने डिश आउट कर लिया है। और ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।